बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 28 अगस्त बुध के रोज़ और आने वाले मज़ीद 72 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद तरीन तूफ़ानी बारिशों मूसलाधार बारिशों के हवाले से बड़ी अपडेट के साथ हाजिर हूँ। हवा का शदीद कम दबाव सुबह सिंध के बेशतर ज़ेरी इलाकों को अपनी लपेट में ले चुका। कराची समेत सुबह सिंध के बेशतर इलाकों में वक्फे वक्फे से मूसलाधार से तूफ़ानी बारिशों के सिलसिले जारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के भी ज्यादातर इलाके बादलों की लपेट में वक्फे वक्फे के साथ तूफानी बारिशें जारी हैं। दूसरी जानब सुबह बलोचिस्तान में भी शदीद बारिशों के दौर दौरे पहुंच चुके। आने वाले 24 से 36 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। बहुत से इलाके नशे भी जेरे आब आ जाएंगे, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तमाम इलाकों का तफसीलन जिक्र करें तो पंजाब के ज्यादातर अजला में आज गरज चमक के साथ तूफानी बारिशें होंगी। इस दौरान कसूर, साहिवाल, छंग, डेरा गाजी खान, लैया, टोबेटेक सिंह, मुल्तान, राजनपुर, खानेवाल, लोधरा, मुजफ्फरगढ़, कोटा, दू, बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान समेत बहुत से इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। शदीद मौसमी सूरतेहाल का खतरा, जबकि थरपारकर, नगर पारकर, मिट्टी, इस्लाम कोट, मीरपुर खास और टंडवाला यार समेत कराची, सांगर, ठट्ठा, बदीन, सजावल, घोटकी, शिकारपुर, खैरपुर, लाड़काना, जगबाबाद, दादू समेत सुबह सिंध के बेशतर इलाकों में तूफानी बारिशें मतवक्के। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के ज्यादातर इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का सिलसिला आज और कल भी वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। सुबह खैबर पख्तूनख्वा समेत सुबह बलोचिस्तान में भी वक्फे वक्फे के साथ गरज चमक के साथ तूफानी बारिशें बरसने और नशेबी इलाके जेरे आब आने का खदशा। हुजदार, कल्लात, बारखान, मुसाकेल, नसीराबाद, झलमक्सी, बोलान और पंजगौर में मूसलाधार बारिशों की वजह से शदीद मौसमी सूरत हाल का इम्कान है। अपने इलाके के मौसम से बाखबर रहने के लिए शहर का नाम कमेंट करें। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।